नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेकी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विकल्प दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आप अपनी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को पार्टीशन करते हैं या फिर कई बार आपकी कंप्यूटर्स पहले से ही पार्टीशन हार्ड ड्राइव के साथ आते हैं। पार्टीशन से मेरा मतलब है CDE नाम की जो पार्टीशन बनाई जाती है, ये क्यों होती है आपके कंप्यूटर में। तो जितने भी SSD वाली होती है, जितने भी SSDs होती हैं, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती हैं, इसमें पार्टीशनिंग करी जाती है डेटा मैनेज करने के लिए। क्योंकि ये जब आप पार्टीशनिंग कर देते हैं तो आपको पता होता है कि लोकल डिस्क C में मेरा जो विंडोज इंस्टॉल्ड है, लोकल डिस्क E, D, D, ऐसे करके आप लोग अलग अलग पार्टीशन SSDs में करते हैं। ये सिर्फ होता है डेटा मैनेज करने के लिए। और अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो मेन मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, इसमें क्यों करी जाती है पार्टीशनिंग। एक तो रीजन आपका वही है डेटा मैनेज करने के लिए, और मेजर रीजन है शॉर्ट स्ट्रोकिंग। शॉर्ट स्ट्रोकिंग असल में एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप अपनी हार्ड ड्राइव का एक ऐसा पार्टीशन बना देते हैं जिसमें आपको अपने हार्ड ड्राइव की मैक्सिमम स्पीड मिलती है। शॉर्ट स्ट्रोकिंग असल में क्या होता है, एक्चुअली आपकी जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होती है उसकी क्वालिटी होती है। क्योंकि वो एक सर्कल है, इसीलिए जैसे जैसे आप सेंटर के पास आते जाएंगे उसकी स्पिनिंग स्पीड कम होगी, और जो उसके एंड्स होते हैं जो बाहर का एरिया होता है वो ज्यादा तेज घूमता है। सर्कल रहता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो क्योंकि जब कोई सर्कल घूमेगा तो उसका बाहर का चीज जो है, जो फिर बाहर का जो एरिया है वो ज्यादा तेज घूमता है कंपेरेबल टू अंदर के एरिया में। तो क्योंकि मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में एक रीडिंग हेड होता है, जो कि आपकी स्पीड, जब मैकेनिकल हार्ड ड्राइव घूम रही होती है तो रीडिंग हेड जो रहता है वो स्पीड के हिसाब से, जितना तेज आपकी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव घूमेगी उतना तेज वो डेटा रीड कर पाएगा वो रीडिंग हेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाहर का सबसे तेज घूमता है, फिर अंदर का एरिया धीरे धीरे आके जैसे जैसे आप अंदर आते जाते हैं स्पीड कम होती जाती है, उस सर्कल की स्पीड कम होती जाती है। तो शॉर्ट स्ट्रोकिंग के जरिए आप एक ऐसी पार्टीशन बना देते हैं जो पार्टीशन मेनली से बाहर के एरिया पे होती है। जो बाहर का सर्कल होता है उस एरिया में आप एक पार्टीशन बना देते हैं और उसमें आपको मिलती है आपकी मैक्सिमम स्पीड। आपको बस एक डाउनलोड करना है, HGTU नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आपको उसको डाउनलोड करना है। और उससे क्या होगा, आप अपने हार्ड ड्राइव में देख सकते हैं कि आपको कहां से कहां तक स्पीड मिलेगी। जैसे कि आप इस हार्ड ड्राइव में देख पा रहे हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड है लगभग 200 मेगाबिट्स पर सेकंड तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है, और फिर नीचे चली जाती है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक। तो मैक्सिमम या फिर जो उसके आउटर एरिया में जो स्पीड आ रही मिल रही है आपको, वो हो रही है आपकी 200 मेगाबिट्स पर सेकंड, और अंदर आते आते आप लगभग अपनी 50% स्पीड गवा देते हैं। तो ये लगभग 100 GB तक बाहर का, जिसका 100 GB का इलाका है, इसमें आपको स्टेबल 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड मिल रही है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर इस हार्ड ड्राइव को उस स्टार्टिंग के 100 GB को अलग ही पार्टीशन कर देंगे। मतलब आपको उस 100 GB में आपकी हार्ड ड्राइव की स्टेबल एकदम करेक्ट 200 मेगाबिट्स पर सेकेंड पूरी ऑल लॉन्ग मिलेगी। उसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो है वो 200 मेगाबिट्स पर सेकंड पे रीड और राइट होगा। राइटिंग स्पीड अलग होगी पर रीड तो कम से कम 200 मेगाबिट्स पर सेकंड पे होगा। और फिर जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपकी स्पीड कम होती जाएगी। तो शॉर्ट स्ट्रोकिंग से आप अपनी हार्ड ड्राइव का कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट अलग कर देते हैं जो सबसे तेज है, और सबसे तेज जो पार्टीशन रहता है उसमें आप मोस्टली आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ताकि आपकी जल्दी बूटिंग हो, सॉफ्टवेयर जल्दी खुले। तो इसीलिए मोस्टली ज्यादा हार्ड ड्राइव जो रहती है इसीलिए शॉर्ट स्ट्रोक करी जाती है। तो मेरे दोस्तों, जिन भी लोगों के पास आपके ऐसे मैकेनिकल हार्ड ड्राइव जो बिल्कुल भी पार्टीशन नहीं है, उसमें आप पार्टीशन बना लीजिए। HGTU नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करिए, उसके बाद आपको एक ग्राफ दिखा देगा ये, और उसके नीचे दिखा देगा कि कौन से कहां तक ये चीजें जा रही है। जैसे कि फोटो में देख पा रहे होंगे, तो उस ग्राफ के हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेबल स्पीड किस कितनी अमाउंट तक आपको स्टेबल स्पीड मिल रही है। फिर डिस्क मैनेजर में जाकर आपको सीधे सीधे उसमें सब आपको फॉर्मेट करके एक पार्टीशन बना देना है, और उस पार्टीशन में आप अपना OS डालिए, आप अपने एप्लीकेशन डालिए जिनको आपको हाई स्पीड पे चलाना है। और फिर उसके बाद आप जो नीचे की चीजें हैं तो सारे नीचे की चीजों में आपको जितना चीजें भरनी है, जो नीचे के बची हुई हिस्सा है जिसमें आपका, जैसे अगर 100 GB का मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क में भराया तो मेरे पास जो बचा हुआ 800 GB है, क्योंकि कम से कम 100 GB तो चला ही जाता है, 100 GB कम ही मिलता है अपन को, जो बचा हुआ 800 GB है उसमें आप चाहे जितनी पार्टीशन बना लीजिए स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कह सकता हूं मैं, आप सबसे पहले वाले में अपना OS रख लीजिए, उससे नीचे अगर आपने एक और पार्टीशन बनाई उसमें आप अपने एप्लीकेशन रख लीजिए, फिर नीचे जब मूवीज गेम्स सारे के सारे नीचे में डालते चले जाइए, पर आपके एप्लीकेशन और आपका OS आप सबसे तेज पार्टीशन में डालिए, क्योंकि मोस्टली आपका प्राइमरी पार्टीशन होता है। इसीलिए लोकल डिस्क सी में हमेशा ही आपका OS होता है, क्योंकि लोकल डिस्क सी जो रहती है वो बाहर के एरिया पे होती है, वो बाहर के एरिया की पार्टीशन होती है, और उस बाहर के एरिया में जैसे कि आप ग्राफ से देख पा रहे हैं आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है अपनी हार्ड ड्राइव की। तो आप समझ चुके होंगे कि सी ड्राइव, ई ड्राइव और अलग अलग ड्राइव क्यों बनाई जाती है आपके कंप्यूटर पे, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रोकिंग करने के लिए आपको पार्टीशन बनानी पड़ती है। शॉर्ट स्ट्रोकिंग बहुत अच्छा प्रोसीजर है अपने हार्ड ड्राइव की पूरी कैपेबिलिटीज को पाने का। तो आज ही जाइए, अगर आपके कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड ड्राइव शॉर्ट स्ट्रोक नहीं है तो प्लीज अपने कंप्यूटर को शॉर्ट स्ट्रोक कर लीजिए, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो चलिए, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट करिए इस वीडियो पे। धन्यवाद।